मायसेल्फ डॉक्टर रेखा कालानी, एसोसिएट प्रोफेसर, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा। अभी तक बच्चों हमने मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट में रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के लिए हमने शुरू किया था। इसमें हमने देखा कि पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर की कार्बन स्केलेटन के अंदर चेंज होता है। हमने देखा कि रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है। उसके बाद में लास्ट जो है हमने पढ़ा था कि सपोर्ट ऑफ पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट में क्या क्या एविडेंस हैं जो कि सपोर्ट करती हैं कि वास्तव में जो रीअरेंजमेंट होता है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ही होता है। तो हमने ये देखा कि पिनेकॉल ब्रोमोहाइड्रीन, इसको जब हम सिल्वर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो AgBr2- निकल जाता है, AgBr2 निकल जाता है और एक कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोनियम आयन जो है वो रीअरेंज होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। H- इसमें से प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा और ये CH3CO CCH3CH3CH3 पिनेकोलॉन इससे बन जाता है। फोर्थ जो इसका सपोर्टिव पार्ट है वो है द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ रीअरेंज्ड कार्बोनियम आयन बाय द अटैच्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स द नेसेसरी ड्राइविंग फोर्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप। द रीअरेंजमेंट इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इन विच द मिथाइल ग्रुप स्टार्ट्स अटैचिंग इटसेल्फ टू द पॉजिटिव कार्बन बिफोर इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। दिस हैज बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय रीअरेंजिंग टू डिफरेंट पिनेकॉल्स टूगेदर वेन ओनली टू रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो जो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड हमारा रीअरेंज्ड कार्बोनियम आयन है वो वास्तव में इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस से ही पिनेकॉल से पिनेकोलॉन के अंदर चेंज होता है। तो इसके लिए जो है वो हमने एक रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो इसमें माइग्रेशन ग्रुप जो है, माइग्रेटिंग ग्रुप जो है वो कौन सा होगा इसका हम पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए C6H5 CC6H5OH CH3NH2, जब इसकी हम नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो C6H5CO CH C6H5 CH3 ये बनता है। इसी तरह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है उसके साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इससे भी इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट्स होते हैं इनके फॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारा इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। तो दीज रिजल्ट्स आर द एक्सपर्ट्स फ्रॉम SN1 mechanism in which an open chain carbonium ion is formed if the migration of phenyl group and the loss of nitrogen were considered then the backside attack will take place simultaneously
दिस वुड हैव रिजल्टेड इन कंप्लीट इन्वर्जन बट सिंस देयर इज अ पार्शियल रिटेंशन इट सजेस्ट दैट माइग्रेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द लॉस ऑफ नाइट्रोजन दस एन ओपन चेन कार्बोनियम आयन विच इज शॉर्ट लिव्ड इज एक्चुअली फॉर्म्ड द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. तो इसके अंदर हम देखें कि रिएक्शन जो है वो किस तरह से होती है और इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें बनते हैं. अब इसके बाद में हम देखें कि फीचर्स ऑफ पिनेकॉल रीअरेंजमेंट क्या क्या इनके फीचर्स हैं, किस तरह से रीअरेंजमेंट जो है वो पिनेकॉल रीअरेंजमेंट अफेक्ट करता है. सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन. इफ देयर इज अ चॉइस इज रिमूविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रिफरेंशली दैट इज इफ टू OH ग्रुप्स आर डिफरेंट एज इन अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ग्लाइकॉल्स ओनली दैट OH विल बी रिमूव्ड विच प्रोड्यूसेस द मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल इट कैन बी इजिली नोन दैट कार्बोनियम आयन गेट्स जनरेटेड ऑन द फिनाइलेटेड कार्बन एटम रादर देन ऑन द मिथाइलेटेड कार्बन एटम ड्यू टू द रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन. तो इसके अंदर हम देखें कि C6H5CC6H5OH CCH3CH3 इसकी रिएक्शन जो है जब हम करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और जो मिथाइल ग्रुप से अटैच कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे बनने वाला जो कार्बोनियम आयन है ये लेस स्टेबल होगा जबकि जो फिनाइल ग्रुप से अटैच कार्बन है अगर वो कार्बोनियम आयन बनाता है तो वो कार्बोनियम आयन जो है मोर स्टेबल होता है और एक प्रोटॉन निकलने से वो 3,3-diphenyl-1,2-butanone के अंदर चेंज हो जाता है. फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा बीटा डाइऑल एस्टर्स इट इज पॉसिबल टू नो द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोनियम आयन्स. द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एस्टर ग्रुप डज नॉट परमिट द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनियम आयन एट द अल्फा कार्बन ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन द टू सिमिलर चार्जेस. हाउएवर इट इज पॉसिबल टू जनरेट द पॉजिटिव चार्ज एट द अल्फा कार्बन बाय स्टेबलाइजिंग इट ओवर अ फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड टूगेदर विथ इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द अल्टरनेट रूट बीटा कार्बोनियम आयन बाय मेकिंग इट इज अ प्राइमरी वन. तो इसके अंदर हम अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को अगर लेते हैं तो इसके अंदर सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोनियम आयन का ही फॉर्मेशन होगा. व्हेन बोथ द हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल ग्रुप्स कार्बोनियम आयन गेट्स जनरेटेड ऑन द बीटा कार्बन. दिस शोज दैट अ टर्शरी कार्बोनियम आयन हैज समवॉट मोर स्टेबल देन अ बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन एडजेसेंट टू अ कार्बोहाइड्रोक्सी ग्रुप. तो ये कार्बोहाइड्रोक्सी ग्रुप्स के जो रिएक्शंस हैं उनके साथ में भी ये जनरेट होता है. इसके अंदर हम देखें कि अल्फा बीटा अगर हमने कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह से CH3C CH3OS C6H5CO C2H5 अगर हम एस्टर लेते हैं
और इसको हम देखें तो एस्टर से अटैच कार्बन जो है अल्फा कार्बन, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से जो है वो मिथाइल ग्रुप से अटैच कार्बन पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि H- प्रोटॉन के रूप में, H+ जो है वो प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा, और CH3C6H5CH3COCOC2H5 इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन्स के द्वारा इसको देख सकते हैं। इफ द टू ग्रुप्स प्रेजेंट्स ऑन द नॉन आयोनिक कार्बन आर डिफरेंट, देन द बेटर न्यूक्लियोफाइल मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनर टूवर्ड्स कार्बन ऑफ द टू गेट्स माइग्रेटेड प्रिफरेंशली इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अगर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, पैरा मिथाइल ऑक्सोनियम आयन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन फिनाइल ग्रुप ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ इट्स OCH3 ग्रुप एंड इट देयर फॉर माइग्रेट्स इन द प्रेफरेंस टू फिनाइल। तो ये अगर हम देखें तो ये फिनाइलिक ग्रुप जो है उससे लगे हुए OCH3 ग्रुप के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ये एक फिनाइलिक ग्रुप जो है वो माइग्रेट्स करता है प्रिफरेंशली इसके अंदर। दोनों फिनाइलिक ग्रुप, एक फिनाइलिक रिंग जो है वो माइग्रेट करेगी, और ये माइग्रेशन पिनेकॉल पिनेकॉल रिअरेंजमेंट के अंदर होगा। जनरली द फिनाइल ग्रुप गेट्स माइग्रेटेड इन प्रेफरेंस टू एल्काइल ग्रुप। जनरली ऐसा ही होता है कि एल्काइल ग्रुप्स की बजाय फिनाइलिक ग्रुप जो है वो ज्यादा अच्छे से माइग्रेट करते हैं। इसके बाद में हम देखें सेकंड जो है इसका सपोर्ट, उसमें है माइग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द ग्रुप। इफ द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ फिनाइल इज असाइंड द वैल्यू 1, देन द वैल्यूज फॉर द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप विथ रेफरेंस टू दिस ग्रुप आर एज फॉलोज। तो ये किस तरह से माइग्रेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्या सीक्वेंस इनकी रहती है, वो इससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट्स जो है उसमें हम देखें, द माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ द ग्रुप इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरिक फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थो CH3OC6H4 ग्रुप इज माइग्रेटेड 1000 times लेस देन द CH3OC6H4 पैरा वाला जो है ग्रुप ड्यू टू द स्टेरिक इंटरफेरेंस। ऑर्थो के अंदर जो है दोनों ग्रुप पास पास वाले कार्बन एटम पे रहेंगे, जिससे कि स्टेरिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा, जबकि पैरा पोजीशन पे होने से दोनों ग्रुप्स के बीच में जो है डाइपोल मोमेंट कम होगा और स्टेरिक इफेक्ट इनका स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होगी। नेक्स्ट है ट्रांस माइग्रेशन। ट्रांस माइग्रेशन द पिनेकॉल रिअरेंजमेंट अकर्स इन सच अ मैनर दैट द माइग्रेटिंग ग्रुप इज ऑलवेज ट्रांस टू द रिलीविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट हैज इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस। हमेशा इसके अंदर पिनेकॉल पिनेकॉल रिअरेंजमेंट में ट्रांस माइग्रेशन होता है, जहां से रिलीविंग ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इसमें अपोजिट साइड से माइग्रेट करता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद में हम देखें एप्लीकेशंस ऑफ पिनेकॉल रिअरेंजमेंट।
क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ जो है पिनेकॉल रीअरेंजमेंट जो है वो काम आता है, इसका अगर हम देखें तो द पिनेकॉल रीअरेंजमेंट हैज इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन. इट इज यूज टू प्रिपेयर द पिनेकोलॉन्स विच आर हाईली ब्रांच्ड किटोन्स. दीज कैन नॉट बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय अदर मेथड्स. फर्दर द साइक्लिक किटोन कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय अदर मेथड्स. फर्दर द साइक्लिक किटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू पिनेकॉल्स विच ऑन रीअरेंजमेंट गिव स्पायरो किटोन्स. तो पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को बताते हैं. इसके द्वारा जो है वो हम ब्रांच्ड किटोन्स का फॉर्मेशन बहुत इजीली कर सकते हैं. इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, जैसे विनेगर मिरवाइन रीअरेंजमेंट है, ये भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे कि हम कर सकते हैं इसको. तो ये एप्लीकेशंस जो हैं वो हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस है पिनेकॉल पिनेकॉल रीअरेंजमेंट की. थैंक यू.